यार आजकल ये इंडिया की लड़कियों को हो क्या गया? दिल्ली इंडिया से एक हिंदू और शादीशुदा लड़की को मुझसे प्यार हो गया। आज एक हिंदू लड़की ने मुझे अपनी नूड्स भेज दी। आज मेरा एक हिंदू दोस्त शिव जी की छोटी सी मूर्ति को दूध पिला रहा था। इतने में मेरे साथ खड़े दोस्त बोले, अरे वो देखो कुत्ते के प्राण। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है। अबे टकले, ये मत और फत तू अपने ही को बोल सकते। इंडिया में मेजॉरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी होती। अब मैं इस बंदे का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसी की भाषा में दे देता हूँ। तो कोड़ी की नॉलेज नहीं है इसको और गाली दे रहा है योगी जी को। फुर्सत मिले तो कभी आना इंडिया और पूछना उन तेरे भाइयों से दुख। योगी जी ने पटक के जिसको गधे की गटर जैसी है तेरी जुबान, टट्टी की खान, सुवरों की जान। अजी मेरे से स्वागत है आपका, सैयद अजान फ्रॉम पाकिस्तान। अगर एक आदमी भी छोड़ देगा तो 4,000 जाने बच जाएंगी। मैं तो लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आप बचपन से नहीं खाते, उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि आप छोड़ दोगे, तो आप तो भक्षक से एक रक्षक बन जाओगे। भाई आज आपने मेरी आंखें खोल दी है, लेकिन मैं क्या करूँ, गाय का गोश्त होता है इतना लजीज है। ये देख गाय के गोश्त की बोटी करवा के लाए। देखो यार, इस रील का रिप्लाई तो ऑनलाइन दिया जा ही नहीं सकता है, बट प्लीज यार, ये कुछ लाइक और फॉलोअर्स के लिए इतना नीचे भी मत गिरो कि जिस यूट्यूब चैनल से तुम्हारे घर में राशन पानी आ रहा है, कहीं वही चैनल डिलीट हो जाए। सुधर जा जान भेड़ के। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है। अबे टकले, ये मत और फत तू अपने ही को बोल, समझा? खबरदार, दूसरों के रिलीजन या मजहब को तूने ऐसा बोला तो तेरा कोई धर्म या दीन ईमान है भी? अबे टकले, तू तो अपने फायदे के लिए अपनी अम्मा को भी बेच के खा जाए। तो मंद भक्तों को मैं बता रहा हूँ, अगर इंडिया में मेजॉरिटी में मुसलमान होते ना, तो इस टकले के सर पे टोपी होती और हाथ में तस्बीह होती, और ये तुम अंध भक्तों की माता को ज़िबा करके, अबे गाय को ज़िबा करके, उसका बीफ बना के खुले में बांट रहा होता और खुद भी खा रहा होता। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, कभी आप प्लीज इंडिया घूमने आओ। अच्छा कश्मीर तक ही आ जाओ यार, ये जो नीच गली छर कर तू कर रहा है ना, और जो योगी जी के लिए तू गलत एब्यूजिव वर्ड्स बोल रहा है, भाई सच में यार, हमारे यहाँ पर गांव पर पीछे ऐसा फट्टा फेरा जाता है ना कि ये बकचोदी तो दूर, तुम्हारे मुंह से अलिफ पे पे नहीं निकलेगी। अब देखो यार, ऐसा भी नहीं है कि इस बंदे को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, ये बंदा साइंस का विद्यार्थी रह चुका है और अच्छी खासी नॉलेज भी देता है। अगर तो आपके ये बाल बहुत ही ज्यादा हद से भी ज्यादा जड़ते हैं ना, तो इनके पीछे दो वजूहत हो सकती हैं। एक, या तो आपको किसी की बहुत ही बुरी गंदी वाली नजर लगी है, या फिर किसी ने आपके बालों के सहारे आप पर जादू किया है। हाँ, और जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस एंड मेडिकल कंडीशन जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। अबे जाहिल गंवार, कुछ पढ़ाई लिखाई की है या फिर इन टोटकों से घर का गुजारा करना है? अब देखो, मैं कोई पाकिस्तान का मजाक नहीं बना रहा कि वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस और स्कूल्स नहीं है। आप हमारे यहाँ यूपी में आए, यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे कॉलेज और स्कूल्स हैं, तो प्लीज यहाँ पर आइए और अपनी स्टडी कंटिन्यू कीजिए। तो बस यार, इस सुअर पर मैं इतनी ही बात करना चाहूंगा। एंड वैसे मैं इस वीडियो में जय किशोर जी के बारे में कुछ बात करने वाला था, बट यार आई थिंक कि सुअर और इंसानों की बात अलग अलग वीडियो में ही की जाए तो ठीक रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आई है तो जाओ और इसके अकाउंट पर रिपोर्ट मारो यार।